गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं पूजा के क्वार्टर में। अब पाही का रिएक्शन दिखाएंगे आपको, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं पाही से। Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. यहाँ मौसी को पता नहीं है कि एयरपोर्ट में कितना प्राइस है और गई है वो पूछने के लिए। और उनका एक्सप्रेशन बताता हूँ कैसा है। But I've never seen clearer. I don't. किमान गस? यहाँ पे पनवेल निकलना है। उसे पूरा सो गई है। गुड मॉर्निंग गाइस, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस ब्लॉग के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 4:30 AM, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और 5 बजे मेरा बस है सीधे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं ना मणिपुर से, आप लोग इतने दिन से जो है मणिपुर के वीडियोज़ देख रहे थे तो बहुत सारे ब्लॉग वहाँ पर बनाया था, उसके बाद मैं वहाँ से आ गया था तो स्कूल के पर्पज़ से आ गया था मैं अभी। तो अभी स्कूल कुछ दिन के लिए छुट्टी है तो मैं जा रहा हूँ मणिपुर फिर से। मेरे साथ जा रही है आज मेरी मौसी चिन्मय, तो चलिए मिलते हैं मौसी और सिनमा से। उसके बाद हम और नानी भी जा रही है जो पूजा की नानी है, तो हम सब जा रहे हैं मणिपुर। तो चलिए वीडियो पर बने रहे, फिर से हम एक बार मणिपुर का जो ब्लॉग है आपको वीडियो पर दिखाई देगा और पाही और पूजा भी दिखाई देगा इसके बाद से, काफ़ी दिनों तक दिखाई देगा क्योंकि मैं बहुत दिन रहने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो पर बने रहो। तो दोस्तों मेरा लगेज जो है रेडी हो चुका है, देखिए 5 बजने के लिए अभी 15 मिनट बाकी है और यहाँ बाहर मेरा टॉमी खड़ा है। टॉमी, तो कितना अंधेरा है आप देख सकते हो। तो बस मेरी अभी आने वाली है तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और सिनमय और मौसी जो है आ रहे हैं, तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं सीधे बस की ओर, बस में मिलते हैं सीधे। तो ये कुछ 5:30 बजे का मौसम हमारे यहाँ, तो पूरा कुहासा गिरा हुआ है, आप देख सकते हो बिल्कुल कुहासा गिरा हुआ है। तो 5:30 ऐसा हालत है हमारे यहाँ, बहुत ठंडा है बहुत ज़्यादा। तो अभी तक बस आया नहीं, तो बस के लिए सारा सामान वगैरह रेडी करके मैं रुका हुआ हूँ, थोड़ी देर के बाद बस आएगा तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों वेट करते करते जो है 5:30 पार हो गया है और आप देख सकते हो वेदर पूरा चेंज हो गया है, जो कुहासा था वो चला गया है और फिर भी अभी तक बस नहीं आया है। 5:30 पार हो चुका है, पता नहीं क्या होगा। और उधर पापा जो है वॉक कर रहे हैं सुबह सुबह और यहाँ मम्मी बैठी है। बहुत ज़्यादा ठंडा है वहाँ, आप देख पा रहे हो आग जला रहे कोई। सो फाइनली मेरा बस आ गया है, फाइनली बस मिल गया है। और दोस्तों यहाँ नानी भी आ चुकी है। तो दोस्तों फाइनली जो है हम लोग मोहनबाड़ी पहुंच गए, लिख रहा है वहाँ पे वेलकम टू मोहनबाड़ी। तो दोस्तों फाइनली जो है हमारा बोर्डिंग पास मिल गया है और अभी थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं अभी यहाँ पे गेट नंबर 1 में, थोड़ी देर के बाद आ जाएगा तो मिलेंगे फिर सीधे फ्लाइट के अंदर ही। यहाँ पे सिनमय, उधर नानी कब आएगा हमारा फ्लाइट देख रही है और यहाँ मौसी, हम लोग गेट नंबर 1 में वेट कर रहे हैं अभी। कैसा लगा फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ तक आने का? जल्दी करो भाई, यहाँ पे पनवेल निकलना है। आज जो है मौसी और सिनमय का फर्स्ट फ्लाइट जर्नी है, तो थोड़ी देर के बाद जर्नी करने के बाद एक्सपीरियंस पूछेंगे कैसा लगा इनको। तो ये राइड भी मैंने इनको करा दिया, सिलों को थोड़ा ऊपर का व्यू भी दिखाया मैंने। ये है ऊपर का व्यू, हम नीचे थे, ये गेट नंबर 3 है। तो कैसा लगा यहाँ पे सिनमय, एयरपोर्ट में आके कैसा लगा? हाँ बहुत बढ़िया लगा, हाँ सब कुछ नीट एंड क्लीन ना, साफ स्टेशन से तो लाख गुना साफ निकला। अच्छा, लेकिन पता है बाकी जितना एयरपोर्ट है ना सबसे मेरे को गंदा यही लगता है।
हम मौसी को पता नहीं है कि एयरपोर्ट में कितना प्राइस है और गई है वो पूछने के लिए। तो उनका एक्सप्रेशन बताता हूँ कैसा है। कि मान गए ₹10 का जो केक है वो यहाँ पे लेता है ₹60। तो सोच लो कितना फ़र्क है एयरपोर्ट और बाहर का। तो हमारा फ्लाइट जो है टर्बो इंजन वाला रेडी हो गया, यही वाला है, इसी में जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। सारा चेकिंग वगैरह हो गया है हमारा और इधर मौसी नानी सब लोग रेडी है आने के लिए। तो चलो मिलते हैं आपसे फ्लाइट में सीधे। ये रहा हमारा इंडिगो छोटा वाला मिनी वर्सन। काफ़ी प्यारा सा है छोटा सा। फाइनली हम लोग बैठ गए हैं, सिमर भी बैठ गया है, बेड लगा रहा है और इधर मेरे सामने नानी बैठी है। नमस्कार, कृपया अपने बड़े बैग्स को अपने निर्धारित सीटों के ऊपर वाले ओवरहेड। दोस्तों फाइनली लैंड हो चुका है, हम जो है मणिपुर पहुंच गए हैं। सिनमोई मौसी नानी, तो ये है हमारा फ्लाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक है अलायंस एयर और ये है इंडिगो। चलो हम बैग ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे खाना खाएंगे। खाना खा के हम टैक्सी रिजर्व कर लिया हमने, तो एक जान पहचान वाले भैया थे जो पहले वीडियो में आपको दिखाया था, उसके बाद चलेंगे आगे। हमारा बैग आ गया है बेल्ट नंबर 1 में, एक बैग है और दो बाकी है आना। तो ये मेरा वाला आ गया, तीनों बैग आ गया। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों खाना खाने के बाद जो है यही होटल में आए फिर से एक बार, एयरपोर्ट के एकदम ऑपोजिट में जो कि आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा था। तो चलिए अभी हम घर की ओर निकलते हैं। और यहाँ हमारे साथ दीपक भैया फिर से एक बार। तो आप लोगों को दीपक भैया से दो बार मिला दिया। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम सीधे जाते हैं IGR में। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं पूजा के क्वार्टर में। अब पाही का रिएक्शन दिखाएंगे आपको, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं पाही से। ये रही पाही, ये वाला सुआ गो मुफले सुआ, ये वहां से नहीं बोला है, ये वो आई वाला जो जागो। दोस्तों फाइनली पूजा से मिल लिया और आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। पाही जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई मुझे देखकर, तो कुछ टाइम स्पेंड करते हैं अभी पाही के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा टाटा कर दिया टाटा। I sit here.